चटनी डाली है, मीठी चटनी डालने के बाद से यहाँ पे डालेंगे हम तीखी चटनी। तो चलिए आज इस तरह से चौमिन अपने किचन में बनाने चल रहे हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा करते हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जितने माता ने भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, बगल में लाल घंटी उसको जरूर दबाएं, जाके सबसे पहले रेसिपी आप लोग को हमारा मिले। तो चलिए आज अपने किचन में बरसात के मौसम में जैसे कुछ चट्टे खाने के लिए मन करता है बाहरी चीज, तो कैसे आसान तरीके से घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसे देखते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो बच्चे परेशान कर रहे हैं खाने के लिए मैगी। तो दोस्तों मैगी नहीं हमारे पास है किचन में, तो चौमिन बचा था। दोस्तों पहली बार वीडियो में बनाए थे आप लोग को, तो हमेशा चौमिन की पैकेट हम घर में मंगा के रख लेते हैं कि बच्चों को जब भी मन करता है दोस्तों तो चौमिन बना के घर में हम खिलाते हैं, बच्चों को बाहर नहीं खिलाने देते हैं, क्योंकि दोस्तों बाहरी चीज से रहता है, देखते हैं कि ज्यादा दिन का रहता है, जैसे देखते चौमिन भी रहता है बच जाता है तो सुगंध भी होती ताजे करके सब लोग बेच देते हैं गर्म करके, तो इसलिए दोस्तों बाहरी चीज हम नहीं खिलाना चाहते हैं, जो भी बनाते हैं ताजे घर पर बना के खिलाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चौमिन बनाने के लिए दोस्तों जो हमारे चीज पास में घर में घर का सामग्री है उसी चीज से हम बनाएंगे चौमिन। तो आप लोग को हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए टमाटर को काट के रख लिए हैं, यहाँ पे लहसुन को दर्रे कूट के रख लिए हैं, अदरक लहसुन, यहाँ पे धनिया है, देख रहे हैं कि जैसे नाम भी नहीं ले पा रहे हैं जल्दी से, सोयाबीन है काट कर रख लिए हैं, यहाँ पे हरी मिर्ची है, हींग है, प्याज को छोटे टुकड़े में काट लिया है इस तरह से, उसके बाद धनिया पत्ती है, विनेगर की जगह पे नींबू हमने ले लिया है, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं सिरका लिया है, वहाँ पे देख रहे हैं मीठी चटनी है, उसके बाद देख रहे हैं मसाले कुछ लिए इसलिए देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए एक चम्मच गरम मसाला लिए हैं, कश्मीरी पाउडर लिए हैं, जीरा लिए हैं, चाट मसाला लिए हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, कहेंगे गैस को जला लेंगे। तो जलाकर इसमें हम रखेंगे पानी भगोले में, पानी को अच्छे से एक उबाल आने देंगे पहले, उसके बाद चौमिन को हम उबालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पानी हमारा उबला हो रहा है, तो इसमें हम डालेंगे दो ढक्कन, छोटे ढक्कन बिल्कुल देख रहे हैं, इसी तरह से हम डाल रहे हैं, दो चम्मच तेल डाल दिया हम यहाँ पे। तेल डालने से रहता है कि मैगी बिल्कुल हमारे पास चौमिन सॉरी मैगी तो खाने के लिए बोले तो मैगी क्या रहा है बार बार, तो चौमिन जैसे देखते हैं बिल्कुल भरभरा रहता है, एक दूसरे में चिपकता नहीं है। यहाँ पे चौमिन हम मिले नहीं है, तो चौमिन जैसे देखते हैं दो किताब के मिलते हैं मार्केट में, एक गीला टाइप में थोड़ा मिलता है, तो जैसे देखते हैं पोटली टाइप में रहता है, गोला टाइप में रहता है वो। ये चौमिन जैसे कितनों दिन तक रखेंगे खराब भी करता नहीं है, खराब भी नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक रख देता है। यदि बड़े फैमिली आपके घर में है तो दो से तीन दिन तक चल सकता है, आप जैसे देखते दो तीन लोग को खाना है तो 15 दिन तक इसको बना के आप लोग खा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बनाने के लिए हम चौमिन निकाल रहे हैं, जितना हमको बनाना है उतना चौमिन निकाल रहे हैं, इस चौमिन में से दो मिनट हम बना चुके हैं चौमिन। चौमिन को हम क्या करेंगे, हाथ से इस तरह से इसको हम दबा देंगे, ये बहुत ज्यादा लंबी लंबी चौमिन है आप लोग देख सकते हैं, तो इस तरह से चौमिन रहता है कोई भी बर्तन उबाल नहीं जाएगा अच्छे से। चौमिन को हम पानी में डालेंगे इस तरह से उबले होने के लिए, जब तक पानी आपका उबला नहीं हो रहा है तब तक आपको चौमिन नहीं डालना है, क्योंकि ये चौमिन जो है नीचे प्लेट में चाहे हो चाहे कढ़ाई हो चाहे कुकर में किसी में उबाल रहे हैं तो नीचे ये चौमिन जो रहता है बैठ जाता है जाके। चौमिन को देख रहे हैं अच्छे से इस तरह से हम चलाते हुए इसको उबालेंगे, देखिए चौमिन हमारा अच्छे से उबला हो गया है। अब हम क्या करेंगे गैस को बंद कर देंगे, गैस को बंद करने के बाद तुरंत इसमें हम क्या करेंगे ठंडे पानी डालेंगे, ठंडे पानी से चौमिन हमारा जो है दूसरे में सटेगा नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे देख रहे हैं एक थाली लिया है, एक पकौड़ी छानने वाला लिया है, इसमें क्या करेंगे चौमिन को हम इस तरह से ले लेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे, सारा पानी इसमें से निकल जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड तेल, तो 3 चम्मच यहाँ पर रिफाइंड तेल हम डाल दिए हैं, इसको अच्छे से पूरी अच्छे से गर्म करना है आपको, जब से इसमें से भाप नहीं निकलने लगे। तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें हम डालेंगे जीरा को, जीरा जब चटक रहा है तो जीरा चटकने के बाद से यहाँ पे हम डाल देंगे हींग को,
हींग तो वैसे देखते हैं कोई भी सब्जी हो चाहे किसी चीज में पकौड़ी हम पड़ जाता चटता है तो हींग बहुत काफी अच्छा लगता है, इसकी खुशबू आती है। ये हम लहसुन अदरक के खलबट्टे में दरक पीस लिए हैं, एक चम्मच के करीब में हमारा था, इसको हम डाल दिया है। अब इसको ज्यादा हमको नहीं भुना है, अब प्याज को भी ज्यादा नहीं भुना है, हरी मिर्च भी डाल रहे हैं इसके साथ में। अब इसके साथ में प्याज को भी डाल रहे हैं, इन सभी चीज को डालकर अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसी की जगह हम सोयाबीन भी इसमें हल्के से भून लेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि सोयाबीन के साथ में हमने टमाटर भी डाल दिया है, तो आपके पास शिमला मिर्ची हो पत्ते गोभी हो तो काटकर आप इसी जगह पे डाल सकते हैं, इसी टाइम पे डालना है आपको। मसाले में क्या चलिए आप लोग को दिखाए, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर है, यहाँ पे गरम मसाला है, यहाँ पे चाट मसाला है। अब इसी को जब हम नमक डालेंगे, नमक डालने पे यही क्या होता है हमारा टमाटर जो हल्का सा गल जाएगा। चौमिन डाल रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, अब थोड़ी सी चौमिन सारा बताएंगे क्योंकि साइड से चौमिन सारा वाला खाती है, तो साथ से चाट मसाला मिला के काला नमक छिड़क के हल्का सा सरसों के तेल डाल के साक्षी खाती है, उनके लिए हम बचा दिए हैं यहाँ पर। अब चौमिन को अच्छे से हम चलाएंगे, पहले यहाँ पे दो पालते हमने ले लिया है, चौमिन जो है बहुत काफी टेस्टी बना है चौमिन हमारा। अब इसी की जगह पर हम सिरका डालेंगे इसमें, इसमें हम डालेंगे एक नींबू पाउडर डाल देंगे अच्छे से इस तरह से। अब इसको भी अच्छे से मिला देंगे, इस समय आपको बिल्कुल गैस को मीडियम रखना है ना कि चौमिन हमारा जल जाएगा नीचे से। तो दोस्तों हम सोचे कोई भी वीडियो हमारे पास नहीं है तो हम सोचे बना रहे तो लाइए आप लोगों को भी दिखा दें, एक वीडियो भी बन जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे काला नमक ऊपर से, काला नमक से चौमिन का हमारा टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसी के ऊपर से डालेंगे धनिया पत्ते, आज का वीडियो हमारा आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए हम निकाल रहे हैं प्लेट में, इसी तरह से निकालेंगे, यहाँ पर निकाल दिया है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बॉल में लाल घंटी उसको जटवाएं। चलिए फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।